हेलो जी, आज मैंने शाम को सोचा ऑफिस के बाद कि कुछ क्रिस्पी खाया जाए, तो हमने सोचा कि हम बनाते हैं एयर फ्राइड क्रिस्पी बटरफ्लाई चिकन ड्रम स्टिक्स। तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और बहुत इजी टू मेक है एट होम। लहसुन अदरक एंड कोरिएंडर को हम एक साथ पीस लेंगे एक थिन से पेस्ट पे। अब हमारा थिन सा पेस्ट बन चुका है। अब हम चिकन ड्रम स्टिक्स लेंगे और उन पे चाकू से चीरा लगाएंगे कि जैसे बटरफ्लाई के विंग्स उसके साइड में निकल गए हों लेग्स के। हम एक बाउल लेंगे और उसमें एक अंडा फेंटेंगे। और जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम उस अंडे के मिक्सचर में डाल देंगे। फिर हम अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा लेमन जूस, उसमें नमक, एंड चिली फ्लेक्स डालेंगे। और जो हमने ड्रम स्टिक्स जो बटरफ्लाई की तरह काटी थी, हम उसे उस मिक्सचर में थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे फॉर 15 मिनट्स। देन उसके ऊपर आफ्टर मैरिनेशन विल पुट सम कॉर्नफ्लावर ओवर इट। फिर हम साइड में रख देंगे। अब हमें चाहिए थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स, प्लेट में आप फैला लीजिए। और जो आपका मैरिनेटेड चिकन है उसको दोनों साइड से कोट कीजिए। दोबारा डबल लेयरिंग के लिए आप दोबारा उसी मिक्स में लेफ्ट ओवर में आप उस कोट कर लीजिए। इससे आपका और क्रिस्पी बन पाएगा क्रिस्पी एयर फ्राइड चिकन। इवनली कोट हो जाने के बाद ड्रम स्टिक्स को हम अपने एयर फ्राई को ओपन करके उसमें प्लेस करेंगे ड्रम स्टिक्स। हम अपने माइक्रोवेव को सेट करेंगे फॉर 15 मिनट्स 390 फ़ारेनहाइट। रखने के बाद फिर हम अपनी प्लेट को डेकोरेट करेंगे अपनी ग्रीन चटनी से एंड मसाले वाले प्याज से। इतनी देर में हमारा एयर फ्राइड चिकन रेडी है। आप बीच में एक बारी उसको दोनों साइड से ट्विस्ट करके चेक कर लीजिए कि वो इवनली कुक हो गया हो, और उसके ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल करिए चाट मसाला एंड इन्जॉय करिए घर बैठे क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।